Hello friends, I'm Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NetGR with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं genetic inheritance condition की, that is called as apistasis. Apistasis देखिए, अभी तक हम क्या बात करते आए कि किसी भी जीन का एक्सप्रेशन हो, अल्टीमेटली गिव्स अ प्रोटीन, ठीक है, और एक फिनोटाइप हमारे सामने आता है. ठीक, नाउ जीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलील. ठीक है, एलील में एक डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव हो सकता है, दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं या दोनों रिसेसिव हो सकते हैं. जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम कहते हैं हेटरोजाइगस कंडीशन है. ठीक है, एंड द एक्सप्रेशन जो अल्टीमेट हमें फिनोटाइप देखने को मिलता है, दैट वन इज अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ डोमिनेंट वन. फाइन, अब क्या यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे इस डोमिनेंट एलील ने अपने काउंटर पार्ट यानी कि अपने ही सेम टाइप ऑफ जीन को ही सप्रेस किया है ना. यहाँ आपस में डीलिंग हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं और किसी और को काम किसी और के काम में इसने छेड़छाड़ की हो किसी और जीन की. बट ऐसा होता है कि एक जीन, एक एलील कोई भी, इधर मतलब रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, वो किसी और क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले किसी और जीन को जब डिस्टर्ब करने लगे, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने लगे, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं एपिस्टेसिस. और ऐसा बदमाश जीन जो अपना काम धाम छोड़ के, अपने काउंटर पार्ट में इंटरेस्ट छोड़ के भी या उसके साथ भी दूसरे किसी और क्रोमोसोम में पाए जाने वाले किसी और जीन को, मान लीजिए ये एक बेचारा क्रोमोसोम था, उस पर ये बी जीन है, अब ये ए दोनों में से कोई भी जीन मतलब ये एलील जो है वो उसके भी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने लगे, तो ऐसे बदमाश वाले जीन को हम क्या कहेंगे? एपिस्टेटिक, एपिस्टेटिक जीन. जबकि ये जो कंट्रोल हो रहा है, इसकी पावर पूरी इनके हाथ में है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोस्टेटिक. ठीक है, हाइपोस्टेटिक जीन, हाइपोस्टेटिक जीन. अब देखिए, बात याद रखिएगा कि सेम क्रोमोसोम पे नहीं है. ठीक है, सेम क्रोमोसोम नहीं है, किसी और ही क्रोमोसोम पे कोई और ही जीन है. ये बात याद रखिएगा एपिस्टेसिस से रिलेटेड कि कोई और ही क्रोमोसोम पे पाया जाना, किसी और ही लोकस पे पाया जाने वाला है, उन जीन को कंट्रोल करना जो कि उसके काउंटर पार्ट ना हो, कोई और ही हो, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एपिस्टेसिस. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोशिश की है समझाने की एग्जाम्पल के साथ. ह्यूमन स्किन टोन कितने टाइप के हो सकते हैं? डार्क ब्राउन हो सकते हैं, लाइट ब्राउन हो सकते हैं, या फिर स्किन टोन हो सकता है ना. एक और मेडिकल कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी अगर, जिसमें क्या होता है कंप्लीटली व्हाइट हो जाते हैं, मतलब कि आपका इनफैक्ट आई लैशेस भी व्हाइट जैसे हो जाते हैं, बाल तो पूरे व्हाइट हो जाते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एल्बिनिज्म. एल्बिनिज्म के लिए क्या होता है, हम सब में जीन उपस्थित होता है, सभी में. अगर वी ऑल आर लकी, इफ द एलील मतलब दोनों ही डोमिनेंट है, मान लीजिए एक्स है जीन, ठीक है, दोनों ही अगर डोमिनेंट है, इट्स वेरी गुड. हेटरोजाइगस कंडीशन है तो भी ठीक ही है. बट इफ इट इज रिसेसिव, अगर ये रिसेसिव है ना, तो ये स्किन टोन को कंट्रोल करता है. हालांकि सेम क्रोमोसोम पे ऐसा कुछ नहीं कि यहीं पे पाया जा रहा है, या कोई ये जीन डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे स्किन कलर के, दिस इज नॉट दिस जीन एल्बिनिज्म के लिए जो जीन है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्किन टोन कलर, बिल्कुल भी नहीं है. बट इसके हाथ में कंट्रोल है, अगर डोमिनेंट है तो हमारा कलर इन तीन में से होगा. हेटरोजाइगस है तो भी इन तीन में से हो सकता है, लेकिन होमोजाइगस की कंडीशन में क्या होगा, हम बिल्कुल एल्बिनिज्म होंगे, मिलानिन प्रोडक्शन या मिलानोसाइट्स प्रॉपरली हमारे उसमें डेवलप नहीं होंगे, और मतलब मिलानिन नहीं बनेगा अल्टीमेटली. ठीक है, तो कलर हमारा मतलब एल्बिनो कंडीशन आ जाएगी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस, एंड दिस जीन इज एन एग्जांपल ऑफ एपिस्टेटिक जीन. और स्किन कलर के जो जीन जिसके कंट्रोल में है वो हाइपोस्टेटिक जीन कहलाते हैं. ठीक है, एंड ऐसे सिचुएशन को, ऐसी कंडीशन को, या स्किन जो ह्यूमन हमारा स्किन टोन है,
दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट. क्यों? क्योंकि हमारा स्किन कलर के लिए जो तकरीबन तकरीबन 378 लोकाई के जीन आर प्रेजेंट्स एंड अदर देन दैट दिस जीन एल्बिनिज्म जीन भी उसको कंट्रोल कर रहा है. ठीक है ना? तो दिस मेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिस्टेसिस एंड एपिस्टेटिक जीन, हाइपोस्टेटिक जीन, पॉलीजेनिक ट्रेट. मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.